वालेकुम जी सबको, पहले ढेर ढेर सारा 14 अगस्त मुबारक। एक्चुअली ऊपर जाना है, अच्छा चलो। तो हम लोग ना बाहर आए थे अभी, मैंने थोड़ी सी पिक्स बनानी थी और वीडियोस बनानी थी, लेकिन सारी धूप ही चली गई है। और व्लॉग बनाने के लिए भी क्लिप हमने बाहर नहीं बनाया। मैं ऐसे हो के व्लॉग बना दूंगी, मैंने आई मेकअप बहुत अच्छा। अच्छा चलो 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 मनी भाई यहाँ पे। ओके जी, बच्चों की फरमाइश पे हम लोग ये ना फूलों वाली जगह, यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आनी। जस्ट लुक एट द रश, रश ही नजर आ रहा हूँ। सीनान को भाई इस पहाड़ी पे चढ़ना था। सीनान, अब अफान, सीनान आप भी देखो इधर, अफान ने इसके ऊपर चढ़ना था। किधर जा रहे हो? जाओ उसके ऊपर, जाओ ना, जाओ उसके ऊपर जाओ। लुक एट दिस रश, यहाँ पे ये सारी 14 अगस्त की आवाम है जो पाकिस्तान सच्चा करने आई हैं। और इस रोड पे ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। सिनान पीछे ना। ओके जी, मैं यहाँ पे ना व्लॉग बना रही थी तो ये छोटी सी बच्ची मुझे मिली है, मुझे पूछ रही है आप व्लॉग बना रही है। मैंने कहा जी, मुझे कह रही है आप भी मुझे व्लॉग में बना लो, ले लो। क्या नाम है आपका? फातिमा कामरान। फातिमा, आपको व्लॉग बनाने का शौक है? बहुत ज़्यादा। बनाते हो कोई, कभी ट्राई किया है कुछ, है आपको यूट्यूब चैनल को? घर में ट्राई करती हूँ, पर कभी नहीं, बाहर फेंका नहीं है, पब्लिक नहीं किया। ओके, कहाँ पर रहती हो आप? मैं टाउनशिप। टाउनशिप में क्या करती हो आप? पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7। गुड जॉब, 7 में पढ़ते हो। पढ़ाई में कैसे हो, क्या पोजीशन आती है आपकी? हैं मेरी सेकंड। सेकंड, वाओ, लाइक बच्ची है। अच्छा, आप इतने लाइक हो, आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो, ठीक है? आप लोग करो, ट्राई करो। मैंने कितनी भी व्लॉग किया था, पर वो मैंने पब्लिक नहीं किया। टिकटॉक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, क्या क्या देखते रहते हो? यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैप बस। यूट्यूब पे एक तो मेरा व्लॉग वाला चैनल है, छोटी सी बच्ची को अपनी प्रमोशन कर रही। अरे मेरा मेकअप है, मेकअप आती है, हम बाकी बातें वैसे कर लेते हैं। अच्छा जी, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई हूँ। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, मैंने घर जाके अभी बच्चों को खाना खिलाना है, उसके बाद बाबा आएंगे, उनका वेट करेंगे हम। वो आएंगे तो उनके साथ हम बैठ जाएंगे। वो मुझे कहते हैं आज तुम अकेली चली जाओ बच्चे लेके। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा रश होता है ना, इतना ज़्यादा बंदा थक भी जाता है ना। तो मैं अभी उनका वेट, आ जाओ, एक दूसरी बच्ची आई है, मैंने भी आके बिल, आ जाओ बैठ जाओ मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरफा। अरफा भी आई है मेरे व्लॉग में। अरफा, आपको भी व्लॉग्स देखती हो, व्लॉग बनाने का शौक है आपको? मेरी बहन बनाती। वो आपकी बहन है जो अभी मेरे पास आई थी, वो बनाती थी। सही है। अरफा भी है, कुछ कहना है अरफा आपने? जी, 14 अगस्त पे क्या क्या कर रहे हो, कब से निकले हो घर से? हम तो 1 बजे के निकले। 1 बजे के निकले हो, कहाँ कहाँ गए हो? कहाँ कहाँ गए थे? नाम नहीं आ रहा, वो दूर है। कहाँ पे? यहाँ से काफ़ी दूर है। क्योंकि कोई पॉइंट था जी, कोई पॉइंट किसी जगह पे गए थे जी। अभी क्या करना है, अब क्या करना है 14 अगस्त में? कैमरा में देखो, अभी इस तरह के गाड़ी रोकी है। हाँ हाँ, इन्जॉय कर लो, उन चौबा सा बोलो थोड़ा। हाँ, यहाँ पे इन्जॉय कर लो। हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं होता। पापा कह रहे थे कि आप यहाँ रुक लो। हाँ हाँ, और आगे अभी अपनी थोड़ी देर बाद घर, बस घर चले जाओगे। चलो ठीक ठीक है, अल्लाह फिर बांध से ना। अभी आ जाओ मेरे व्लॉग में अफान, आप भी आ जाओ मेरे व्लॉग में। अफान इधर आओ, क्या कर रहे हो आप? बेबी बेबी ओए इधर आओ। बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? बच्चे सुन भी नहीं रहे और मैंने घर जाके इनको खाना खिलाना है। अच्छा, पहले तो इनके बाबा घर नहीं थे ना, तो उनके साथ नहीं गए मैं बच्चों को लेके। बच्चे पहले अपने दादा अबू के घर गए थे, वहाँ पे केक कटना था उनके घर के पास ही 14 अगस्त का, तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। फिर मैं रेडी हो गई थी, अफान मेरे पास घर में ही था। फिर मैं निकली हूँ फटाफट से कि कोई चलो पैक्स रोशनी में ले लेंगे, लेकिन वो अंधेरा हो ही रहा था। खैर, मैं बच्चों को लेकर थोड़ा सा बाहर गई थी, उसके बाद हमने घर आके अच्छे से खाना खाया और बाबा आ गए थे। फिर हम दोबारा नुमान के साथ गए थे रात का टाइम, लाइक जो रोड्स की। बाबा नहीं आजी। कौन आए थे? बाबा। बाबा? हाँ। तो मैंने बाबा ही बोला है। पाल। तो ना ये वाले क्लिप्स जो एक दिन पहले के हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वो भी हुए थे, फायरवर्क्स हुए थे बहुत ही प्यारे वाले, लेकिन हमें सही से नजर नहीं आ रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज शेयर की थी, मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। और इस दफा 14 अगस्त पे मैंने पहले सोचा कि ना कोई ड्रेस, मैं भी चुप करूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई कपड़े बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बजट बिल्कुल भी नहीं था। सीरियसली मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कोई फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वाइट ड्रेस मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, ग्रीन अबाया मेरे पास पहले का है, ग्रीन दुपट्टा भी था, वाइट ये जूते भी थे और ग्रीन जूते भी थे। खैर, मैंने कहा वाइट और ग्रीन सब कुछ है, बस इन्हीं का मिक्स एंड मैच करके ना चुप करके घर में ये चीज़ें पहन लो, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि मुझे कोई नई चीज़ें ही चाहिए होंगी। हम इस तरह भी 14 अगस्त भी मना सकते हैं और इस तरह एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेकअप मैंने कर लिया था थोड़ा सा ग्रीन सा, बाकी अब हम घर आ गए हैं वापस।
आज हम 14 अगस्त से वापस घर आए हैं, तो हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैंने सुबह इतनी ज़्यादा कुकिंग की थी। मैंने राइस भी बनाए थे, सालन भी बनाया था बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए सादी रोटियां ली हैं। बच्चों ने इतना कहा मामा पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा। मैंने कहा चुप करके, पैसे कोई नहीं है, मतलब बजट बहुत ही लो हो रहा है, थोड़ी सेविंग तो होनी नहीं है, खर्चों खुले खर्चों पर ही हम लोग कंट्रोल करें। तो इसका फेवरेट आलू अंडे बनाया था, मैंने कहा घर जाके ना अपनी रोटी खाओ, दोनों को रोटी लेके दिया। हम मैंने समझा रही थी कि रोल पराठा या पिज़्ज़ा डेली नहीं खाते, तो कहते हैं मामा रोटी भी डेली नहीं खाते, भाई ये मेरा वो इमली आलू बुखारे का पानी है। मान जो है चावल खाना खा रहे हैं, और अरफान बेचारा रास्ते में ही सो गया, तो उसको आते ही मैंने दूध दे दिए। मैं भी बच्चों के साथ नीचे ही बैठ जाती हूँ, एसी में ही हम अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, बाहर नहीं जाना। पानी वाली बोतलें देखो कमरे में कैसे गिराई होती हैं, ये तो करो मैं ये खाऊँ, मेरा ये इमली आलू बुखारे का पानी, मैं ये खा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने घर आके बच्चों को खाना सर्व करने के बाद मैंने सारा मेकअप रिमूव किया है, और मैंने क्या किया कि मैंने इंस्टाग्राम पे ना अभी स्टार्ट कर लिया है अपना ना स्किन जर्नी, और मैंने कहा 365 डेज वाला चैलेंज करूँगी, हर रोज़ शूट भी कर लूँगी, स्किन का ना टेक्सचर भी पता लगता रहेगा, एक्नी का क्या सिस्टम चल रहा है, स्किन इम्प्रूव करेगा या नहीं, मेडिसिन भी क्योंकि मैं खा रही हूँ, और मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि आपने ना पिक्स लेते रहना वीकली या डेली, आपकी स्किन में कितनी इंप्रूवमेंट है, एक्नी ज़्यादा हो रही है कम, उसके हिसाब से उन्होंने मेडिसिन को कम ज़्यादा करना या चेंज जो भी करेंगी ना। और मैंने चेक करवाया था स्किन स्टूडियो लाहौर से, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर दिया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, उनका स्टाफ बहुत अच्छा था, वहाँ पे रश इंतहाई ज़्यादा था, और अगर किसी का काम अच्छा होता है ना तो आपके क्लाइंट्स परमानेंट आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो स्किन से रिलेटेड मुझे वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स नज़र आए। अच्छा अभी तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ, और अभी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना मेरी स्किन जर्नी अगर आप लोगों ने देखनी है। पहले दिन मैंने शूट किया, मुझे 2-3 दिन हो गए उसको पोस्ट किया, उसके बाद है अम्मा हूँ, घर के काम हैं, बच्चे हैं, 100 और काम है, इतना मुश्किल हो गया मुझे दूसरा डे शूट करना ये 3 दिन बाद। आज 14 अगस्त का पूरा मैंने 6 घंटे मेकअप भी लगा के रखा है, बीच में 2 दिन मैंने स्किन केयर कर ली थी लेकिन वीडियो बनाने का और एडिट करने का ना टाइम नहीं लगा, लेकिन आज मैंने कहा कि पहले बच्चों को अंदर खाना दिया, लिटरली 1:20 हो रहा है, लुक किधर है टाइम, 1:20 हो रहा है, लाइट्स ऑन करके बैठी हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा वीडियो जरा अच्छा सा बन जाए, क्योंकि पहले मुंह की इतनी बुरी हालत है, तो मैंने सारा स्किन केयर कर लिया, और प्रोडक्ट्स ना मुझे मेमूना मुस्लिमा ने सेंड करवाई हैं स्पेशली मेरे एक्नी के लिए, ज़ारा ब्यूटी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये मैंने फेस वॉश है यार, प्रोडक्ट में बड़ा अच्छा दम है, अभी मैंने ये 2nd टाइम यूज़ किया, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो ऐसे फटाफट 1 दिन में हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल जाएगा ना, तो मुझे वीकली ये मैं शेयर करती रहूँगी वीडियो में भी, ठीक है। इसका जो सीरम जेल है ना यार, इतना ज़्यादा कोई ड्राइंग है ना, इस पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि इन्होंने मेरा स्कार्स भी ठीक करने हैं, मेरे फेस पर स्कारिंग बहुत ज़्यादा है, सिस्टिक एक्नी होती है, तो उस वजह से स्कार्स बहुत ज़्यादा बन गए हुए हैं, तो मैं कहती हूँ अगर माइक्रो नीडलिंग से मेरी जान छूट जाए ना, और ये पी आर पी मुझे उनसे बहुत डर लगता है, बहुत गंदे वाला फोबिया, क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे पेन हद से ज़्यादा होता है, वो जो नीडल चुबाने वाला और वो कार्बन वाला, वो बड़े पेनफुल प्रोसीजर है बहुत, तो ये काफ़ी ड्राइंग है, इन्होंने बोला है, इस पर लिखा भी हुआ है कि स्किन पील ऑफ करेगी, अभी मैंने ये लगाया ना, मैंने कुछ और थे नहीं लगाया, नाइट स्किन केयर में कोई क्रीम श्रीम नहीं, इसी को लगा के सो रही हूँ, स्किन मेरी सूखी पापड़ बन गई है लाइक ना, क्योंकि इसने एक्ने को ड्राई करना है, ये मेरा 2nd टाइम है अभी मैंने लगाया, इस पर लिखा हुआ है कि डे में 3-4 दफ़ा भी आप लगा सकते हो अगर आपकी स्टार्टिंग है, तो मैं शेयर करती रहूँगी। अभी मेरा हाथ थक गया, मोबाइल पकड़ के, ये देखें ऐसे मोबाइल पकड़ के मैं बैठी हुई हूँ, मैं कहाँ से वहाँ से दिखाती हूँ, आई मेरा बाल थक गया है व्लॉग का एंड करने लगी थी, व्लॉग भी इतने ज़्यादा दिनों बाद बना रही हूँ ना, एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने अपनी ना जैसे मैंने हेयर सीरम बनाया है ना, मेरे बेबी हेयर्स माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अगर आप लोग मुझे पिछली वीडियोस में देखते होंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा वाली गंजी नज़र आती थी, अभी भी आ रही हूँ लेकिन ये अब थोड़ा टाइम लगेगा ना, 6 माह 1 साल लगेंगे इंशाल्लाह फाइनली हेयर्स तो बाहर आए ना, मैं कहती हूँ मेरे तो हेयर्स ही नहीं आते थे। इसके अलावा जो ट्रिक मैंने अपने हेयर्स पर लगाया ना, चेक कर मेरा गंजपन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है छोटे छोटे बेबी हेयर्स में आने लग गए, वही मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा के ना अपना लैश सीरम और अपना लैशेज सीरम और आईब्रो सीरम बनाया, तो वो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे पर्सनली उसके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, मंडे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे अच्छे से ज़रा इनके रिजल्ट्स नज़र आने दें। फ़ायदा ये हुआ कि मेरी लैशेज उतरनी बंद हो गई हैं, मेरी ना लैशेज बहुत टूट जाती थी क्योंकि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मस्कारा लगाना पड़ता है ऐसे ही, मुझे शौक भी बहुत है, मैं कहीं बाहर ऐसे भी जाना है तो मैं मस्कारा लगाने बैठ जाती हूँ, तो मेरी लैशेज बहुत ज़्यादा उतरती थी, अभी माशाल्लाह मेरी लैशेज बहुत कम उतर रही हैं, तो ये फ़ायदा हुआ है, वो भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने मेरे दोनों मेन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जैनम नुमान ऑफिशियल व्लॉग्स। इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है यार, सच्ची में इतना मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना,
छोटू स्कूल जाना स्टार्ट कर देना, मैं भी मेरी रूटीन थोड़ी सेट हो जाए। उसके पीछे लग लग के उसको खाना खिलाना था, मैंने सुरमा भी लगाया। मेरी आंखें ना पिछले दिनों बहुत पेन कर रही थी, मैंने जब से सुरमा लगाना स्टार्ट किया ना, मैं लेंस भी लगाती हूँ ना, तो मेरी आंखें अब दर्द नहीं करती है, सुरमा भी लगा लेती हूँ। आंकड़ा टाइम लगाना था बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन खैर है। चलें जी, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। 14 अगस्त का व्लॉग मैंने बना लिया था, दो बच्चियाँ मुझे मिली थी व्लॉग के स्टार्ट में, आपने देख लिया होना, उनको बड़ा हो रहा था अभी हम आपके व्लॉग में आएंगे, मैंने कहा आओगे तो उन्होंने वेट करना है, मैं कल इंशाल्लाह ये व्लॉग लगा दूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहो, मुझे आप सबकी ढेर ढेर सारे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इस तरह मोटिवेट होती रहूँ और मैं वीडियोस बनाती रहूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है, और जैनम नुमान और जैनम नुमान ऑफिशियल पे भी। अच्छा, इस जेल लगाने के बाद नोज़ मेरा अच्छा खासा शाइन कर रहा है ना, नोज़ देखो कितनी शाइन कर रहा है, माथा इतना शाइन नहीं कर रहा क्योंकि सूख रहा है ये ना, स्किन को सूखेगा तो मेरा पील ऑफ होगा तो स्कार्स ठीक होंगे, और ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा पेशेंसली हम चलेंगे। अंदर से कोई बाहर आ गया, कोई सोया आपके पास ही उधर ही, बच्चे अभी तक नहीं सोए, बस मैंने सुलाने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।